हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूँ संदीप गांगुली। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सी का एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जिसमें मैं इस टाइप की जो सीरीज है, जैसे 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 2/2 का फैक्टोरियल प्लस 3/3 का फैक्टोरियल, जो इस तरह का सीरीज है, मैं इसका एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। और इसमें हमें करना कुछ नहीं, हमें 1/1 का फैक्टोरियल निकाला, उसमें प्लस 2/2 का फैक्टोरियल ऐड करना है, फिर उसमें प्लस 3/3 का फैक्टोरियल ऐड करना है, और हमें ऐसे करके 7 तक जाना, मतलब 7 और जो लास्ट जो हमारे वैल्यू इसमें ऐड करेंगे वो 7/7 का फैक्टोरियल। तो ये सीरीज टाइप का ये सॉल्व करना है प्रॉब्लम, ये कैसे होगा ये मैं दिखाऊंगा। और इसमें जो है मुझे दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो मुझे लूप होगा जिसमें ये ऐड करेगा, और दूसरा मुझे एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि फैक्टोरियल की वैल्यू काउंट करेगा, ये हर वैल्यू जैसे 2/1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का। तो चलिए हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल को ओपन कर लेता हूँ, मैंने इसको सेव कर लिया, मैंने इसका नाम रख दिया सीरीज। उसके बाद मैंने लाइब्रेरी फाइल अपनी इंक्लूड करी stdio.h। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि हमें फैक्टोरियल काउंट करके देगा, और ये फैक्टोरियल जो काउंट करेगा वो इंटीजर एक वैल्यू आएगी रिजल्ट में जो कि ये रिटर्न करेगा। मैंने int fact रखा, ब्रैकेट लगाया, उसमें वैल्यू पास करने के लिए int n दे दिया, और ये जो फैक्टोरियल काउंट करेगा वो रिकर्जन का यूज़ करके करेगा, मतलब मैं इसमें रिकर्जन वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ जिससे मैं फैक्टोरियल काउंट करूँगा। अगर आपको रिकर्जन नहीं आता है तो आप मेरे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, वो आप वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इफ़ लगाया, इफ़ एन इक्वल टू 0 देन रिटर्न 1 और else else return n multiplied by fact n minus 1। तो ये जो फंक्शन है हमको जो है फैक्टोरियल काउंट करके देगा, और अब जो हमको अपना मेन फंक्शन लिखना है जिसमें ये सीरीज का जो है कैलकुलेशन होगा। तो int main मेरा फंक्शन जो है वो मैंने लिखा, और उसके बाद जो है उसके बाद जो है मुझे अपना जो सीरीज लिखना है, तो उसके लिए मुझे पहले int i एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसके लिए मुझे फॉर लिखना है, और हाँ मुझे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें ये टोटल जो एडिशन होगा, मतलब ये जो इन सब वैल्यू के जो एडिशन होंगे और जो फाइनल रिजल्ट जो स्टोर करेगा उसके लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए, और मैंने उसका नाम रख दिया फाइनल रिजल्ट, मैंने इसका नाम रख दिया। उसके बाद मैंने फॉर लूप लगाया, उसके बाद और ये फाइनल रिजल्ट को मैं इक्वल टू 0 सेट कर दूंगा। इक्वल टू 0 इसलिए सेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको अपने में ही ऐड करना पड़ेगा, मतलब मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो i इक्वल टू आपको 0 सेट करना है, i इक्वल टू 1 सेट करना है, और i इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 7, क्योंकि हमें 7 टर्म्स जो है ऐड करना है तो हम 7 लिखेंगे, और i जो आपको इंक्रीमेंट करना है, उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, फाइनल रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट आपको लिखना है, फाइनल रिजल्ट, और उसका प्लस करना है, और उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिएगा, और इसमें आपको लिखना है आई डिवाइडेड बाई फैक्ट, बस में जो भी आप आई की जो वैल्यू है आपको वो पास कर देनी है, और उसके बाद बाहर आके आपको यहाँ पे ये रिजल्ट को प्रिंट आउट कर देना है। सीरीज रिजल्ट जो भी आपका है परसेंटेज डी, और ये आपका कॉमा लगा के आपको फाइनल रिजल्ट लिख देना, और ये रिटर्न 0। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोग्राम बन गया पूरा कंप्लीट, और उसके बाद फिर मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ, और अब मैं इसे रन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जो सीरीज का जो रिजल्ट है वो हमारा 2 आ गया। हाँ तो ये इस तरह से जो हमारा सीरीज का जो रिजल्ट था वो हमारा आंसर जो है वो 2 आ गया। तो अब ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मतलब ये सब कैसे हुआ, एक बार फिर से आपको अपना प्रोग्राम जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करना। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन बनाया, रिकर्जन की वजह से मैंने फैक्टोरियल की वैल्यू काउंट करी, और
ये जो फंक्शन है हमको जो है फैक्टोरियल की वैल्यू जो है हमको रिटर्न करेगा, तो हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि ये फंक्शन सही से काम कर भी रहा है या नहीं। इसके लिए मैंने प्रिंट एफ लिखा और मैंने परसेंटेज एन दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया फैक्ट परसेंटेज डी और कॉमा यहाँ पे मैंने फैक्ट, हम जो ले लेते हैं थ्री, थ्री का फैक्टोरियल आपको पता हुआ थ्री इंटू टू इंटू वन जो कि सिक्स है, तो मैंने थ्री दे दिया। और मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए ये फंक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने कंपाइल किया, फिर से मैं इसे रन करता हूँ, तो देखिए थ्री की वैल्यू सिक्स आ रही बिल्कुल सही है। अब हम फोर लेते हैं, तो सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर होता है, तो ट्वेंटी फोर आंसर आना चाहिए। तो मैंने इसे कंपाइल किया फिर रन किया, देखिए ट्वेंटी फोर, इसका मतलब जो फैक्टोरियल वाला जो हमारा फंक्शन है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो इस तरीके से हो गया। अब हम लोग जो आगे बढ़ते हैं और फिर मैंने फॉर लूप लगाया, और मैंने आपको बताया था कि मुझे सेवन टर्म्स तक जाना है, मतलब मुझे क्या करना था, मुझे मैं ये पूरा लिख ही देता हूँ जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मुझे जो है सेवन टर्म्स तक जाना था, प्लस फाइव डिवाइडेड बाई फाइव का फैक्टोरियल प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई सर। तो मुझे ये जो सीरीज थी सर, वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस टू अपॉन टू फैक्टोरियल थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल और पूरा ये सेवन तक, सेवन अपॉन फैक्टोरियल, इसको ये जो सीरीज थी इसको कैलकुलेट करना था, इसका रिजल्ट क्या आता है। तो वही मैंने किया यहाँ पे, क्योंकि मुझे सेवन टर्म्स को जो है कैलकुलेट करना था, इसलिए मैंने आई इक्वल टू वन से लेके आई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू सेवन तक की कंडीशन लगाई। उसके बाद मैंने क्या किया, लिखा मैंने लिखा फाइनल रिजल्ट इक्वल टू फाइनल रिजल्ट प्लस, और फिर मैंने ब्रैकेट के अंदर वही चीज़ लिखी, मतलब वही चीज़ लिखी जो मैंने यहाँ पे दिखाया कि जैसे मान लीजिए हमें सबसे पहले वन अपॉन वन फैक्टोरियल का करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि आई की वैल्यू फर्स्ट जब ये रन करेगा लूप तो आई की वैल्यू वन रहेगी, तो वन मैंने कर दिया। और फिर अपॉन मतलब ये डिवीजन का लगा के ऑपरेटर फैक्ट जो फंक्शन को कॉल किया जो कि मैं फैक्टोरियल रिटर्न करेगा हर वेरिएबल की, तो यहाँ पर मैंने फैक्ट इक्वल टू आई, तो आई का मतलब वन, तो इसने वन का फैक्टोरियल हमें रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से जो है फिर ये जब दूसरी बार रन करेगा तो ये टू होगा, तो यहाँ पे जब आएगा तो टू अपॉन टू का फैक्टोरियल, फिर ऐसे करके, तो ये जो फैक्टोरियल का जो ये जो हमने बनाया था इंडिविजुअल वाला, ये हमारा क्लियर बन गया। अब हमें क्या करना था, इन सबको आपस में जोड़ना था, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू फाइनल रिजल्ट प्लस ये लिखा, ये जो था। और फाइनल रिजल्ट को इसीलिए मैंने जीरो सेट किया था क्योंकि जब जीरो में कुछ ऐड करते हैं तो कुछ ऐड होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे जीरो ना लिखता तो प्रोग्राम जो है बाय डिफॉल्ट किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जीरो सेट नहीं करता है। और अगर आप ऐसा लिख के छोड़ देते और अब आप इस तरह का स्टेटमेंट देते तो उसका आंसर गलत हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ जीरो लिखा था। तो इस तरीके से जो है हमारा जो ये सारे टर्म्स थे, हर बार एक टर्म की वैल्यू कैलकुलेट हुई और जो है आपस में ऐड होती चली गई, पहले वाले टर्म में ये जीरो था, फिर यहाँ पे वन अपॉन वन फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट हुई और इसमें ऐड हो गया। अब फाइनल रिजल्ट में क्या था, वन अपॉन वन फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। जब ये लूप दूसरी बार चला तो आई की वैल्यू टू सेट हो गई और फाइनल रिजल्ट में जो था वन अपॉन वन फैक्टोरियल की वैल्यू थी, तो वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस टू अपॉन टू फैक्टोरियल टू का जो है इसने रिजल्ट निकाला, उनको ऐड करी, तो इस तरीके से सेवन टर्म्स तक चला। और उसके बाद आखिर में जो भी रिजल्ट था फाइनल रिजल्ट, वो हमारा सीरीज का वो जो है प्रिंट कर दिया और जो कि यहाँ पे आ गया ये टू। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम वर्किंग हुआ। तो अगर इस प्रोग्राम में आपको कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।